हस्त रूपी बगिया को आगे बढ़ाना, यही इस सती कथा का सार है। सती जी ने बात नहीं मानी, सती जी पहुंच गई पिता के घर, और पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। पिता के भवन चली गई, किसी ने कुशल नहीं पूछी, दक्ष ने तो देखा ही नहीं। अपनी जो बहन आई थी, उन बहनों ने कहा, अरे देखो सती बिना बुलावे के आ गई। माँ का हृदय तो माँ का ही होता है, उसने हृदय से लगा लिया। सबने अपमान किया, सबने तिरस्कार किया, पर सती जी ने सब सहन कर लिया। और सती जी सोचने लगी, चलो मेरा तो अपना कुल है, अपना घर है, कोई बात नहीं, मेरा अपमान मैंने सहन कर लिया। अब सती जी सोचने लगी कि देखूं तो सही यज्ञ मंडप में जाकर, कि जहां पर सब देवताओं का भाग दक्ष प्रजापति ने दिया है, वहां देवादिदेव महादेव का स्थान कौन सा है। यज्ञ में सब देवताओं का भाग दिया जाता है, सबको बुलाया जाता है, सबका निमंत्रण दिया जाता है, सबका स्थान दिया जाता है। तो देवताओं के भी देव जो है, जो महादेव है, वो तो भगवान शिव है, और उनके बिना तो कोई यज्ञ सफल नहीं होगा। यह कल्याणम करोति सह शंकर, जो कल्याण करने वाले वही शंकर हैं, वही शिव हैं। तो देखूं तो सही कि शिव जी का कौन सा स्थान है। और जब जाकर देखा, सत ही जाए देखे तब जागा, और कतहू न दीख शंभु करी भागा। सती जी ने जाकर यज्ञ मंडप में देखा तो कहीं भी कोई भाग, कोई हिस्सा शिव जी का कोई स्थान नहीं था। बस ये देखा तो क्रोध से लाल लाल आंखें निकल गई, क्रोध करने लगी सती जी, और दक्ष प्रजापति को संबोधित करके कहती है, हे दक्ष, तू पिता कहलाने का भी अधिकारी है, आज इतना अहंकार में तेरा सर ऊंचा हो रहा है, इतना अभिमान तेरे अंदर भरा हुआ है कि भगवान शिव का ही तूने अपमान कर दिया। सभी देवताओं को बुलाया, और देवताओं के भी जो देव है, जो महादेव है, उनको ही तूने निमंत्रण नहीं दिया। और निमंत्रण नहीं दिया कोई बात नहीं, कम से कम यज्ञ में स्थान तो दे देते, तेरा अहंकार जरूर दूर होगा, तेरा अहंकार जरूर समाप्त होगा। और अब तूने ऐसा कार्य कर दिया है कि मैं भगवान शिव के पास दोबारा लौट कर नहीं जा सकती, तूने ही ये शरीर दिया है, इसलिए हे दक्ष प्रजापति, इस शरीर को तेरे ही इस यज्ञ कुंड में भस्म करके मैं अपने प्रभु प्यारे से दूसरे जन्म में जाकर मिलूंगी, दूसरे शरीर में जाकर मिलूंगी। तूने बहुत पाप कर दिया, तेरा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। ऐसा कहते हुए योगाग्नि को प्रज्वलित कर लिया, और लाल लाल मानो रुधिर आंखों में भर आया माँ दुर्गा स्वरूपणी माँ सती ने अपने आप को उस अग्नि में भस्म कर दिया। पूरी सभा में हाहाकार हो गई, सब भागने लगे, तितर बितर हो गए, और ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा। समाचार तब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, वीरभद्र को भेजा, और वीरभद्र ने सबको दंड दिया, दक्ष का सर काट दिया, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, सबको यथावत दंड दिया। जिस जिसने भगवान शिव का अपमान कहीं लेस मात्र भी किया, उन सबको दंड मिला। यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार होने लगी, सब तरफ लोग कहने लगे, कैसे यज्ञ सफल हो, कैसे यज्ञ सफल हो, यहाँ तो जो यज्ञ कराने वाला है वही मृत्यु के मुख में चला गया। दक्ष का शीश इसलिए काटा क्योंकि उसका सर अहंकार से भरा हुआ था, अहंकार भरे सर को कभी भगवान रहने नहीं देते, उसका झुका ही देते हैं किसी न किसी माध्यम से। तब सब देवताओं ने आह्वान किया, इस सभा में, इस यज्ञ में सब देवता आए थे, ब्रह्मा और विष्णु आए नहीं थे क्योंकि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं था, वो दोनों नहीं आए थे। तो अब ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता महादेव का आह्वान करने लगे, प्रभु आप आइए, अपने क्रोध को शांत करिए और इस यज्ञ को सफल कीजिए, क्योंकि यज्ञ सफल न हो तो ये अच्छी बात नहीं है, यज्ञ सबके कल्याण के लिए होते हैं, इसलिए इस महायज्ञ को सफल कीजिए। भगवान उस समय प्रकट हुए हैं, भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य उस समय हुआ, वहां प्रकट हुए, और भगवान ने दक्ष का बकरे का सर लगा दिया, क्योंकि जो मुख्य
यज्ञ का करता है उसको तो बैठना ही जरूरी है, तो क्या करे? बोले बकरे का सर लगा, ये बड़ी मैं करता था। इसलिए अब सावधान हो जाना, जो ज्यादा मैं करते ना, ये मेरा ये मेरा ये भी मेरा वो भी मेरा, मैं जो करते हैं, फिर ठाकुर जी परमानेंट उसी योनि में भेज देते कि करते रहो। इसलिए ज्यादा मैं के चक्कर में मत पड़ना। वो बकरा जीवन भर मैं करता है, मरने के बाद उसकी चमड़ी को निकाल लिया जाता है और ढोलक पर मर दिया जाता है, और ढोलक पर जब थाप पड़ती है तो फिर मैं नहीं होती, फिर तू होती। जो जीवन भर मैं करते हैं ना, इनको जब ऐसी थाप पड़ती है दुखों की कष्टों की, फिर ये सब मैं भूल जाते हैं। ये कथा आपको प्रेम से वही थाप लगाना चाहती है कि समय रहते रहते अपनी मैं को, अपनी अकड़ को, अपने अहंकार को दूर कर दो और दक्ष बनने का प्रयास मत करो। दक्ष के पास अहंकार ही तो था, अहंकार मत लाइए। कोई भी यज्ञ शुभ कर्म दान पुण्य सत्कर्म करते हो तो पहले मन में नम्रता लाइए, झुकाव लाइए, अहंकार मत लाइए। अहंकार से दिया हुआ दान भी किस मतलब का? भगवान आए, भोलेनाथ ने यहां यज्ञ सफल कराया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ करता होते होते ये यज्ञ सफल हुआ। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, तमाम देवता सब इस यज्ञ में सम्मिलित हुए, और ये भागवत कथा भी एक महायज्ञ ही है। ये भी महायज्ञ है जिसमें हम सब अपने पवित्र विचारों की आहुति डाल रहे हैं, और साक्षात 33 कोटि देवता श्री ठाकुर जी राधा रानी के साथ सम्मिल करके इस आहुति को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान को महसूस करने की देर है, उसको आने में देर नहीं लगती है। इसलिए आइए हम सब भोलेनाथ को बुलाते हैं और कहें, प्रभु हमारे इस महायज्ञ को भी सफल बनाना। हम जैसे हैं, नादान हैं, अनजान हैं, हमसे जो जितना आता है हम करते हैं, बाकी आप सब हमें बालक समझकर हमारी सेवा को स्वीकार करना, पूजा को स्वीकार करना, और आप यहाँ आकर सफल करना। डमरू वाले बाबा को हम सब मिलकर के बुलाएं और ये कहें कि डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। चंदन माथे तिलक लगाएंगे, नंदी पे
दुख भी निराला। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल, गले सर पांव की माला। हाथ में त्रिशूल, गले सर पांव की माला। भक्तों को तरस कर यज्ञ सफल हुआ। भगवान जल्दी दया भी कर देते हैं, क्योंकि उनका नाम भोलेनाथ भी है। रुद्र हैं तो भोलेनाथ भी हैं, इसलिए भोलेनाथ ने यज्ञ सफल किया। सब यथावत विधिवत संपन्न हुआ। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देहूति, आकुति और प्रसूति, इन तीनों पुत्रियों की कथा पूरी हुई, उनकी संतानों की कथा बताई। और इसके पश्चात प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो मनु महाराज के दो पुत्र हैं, उनकी कथा भागवत जी में प्रारंभ होती है, जिसमें प्रियव्रत की कथा बहुत सूक्ष्म में है। और हम उत्तानपाद की कथा को श्रवण करते हुए चलते हैं, क्योंकि जिस कुल में भक्त हैं, उस भक्तों की कथा को सुनने का आनंद आता है। तो आइए हम पहुँचते हैं भक्त परंपरा में। उत्तानपाद के दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। दो ही पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम। सुनीति के ध्रुव हैं और सुरुचि के उत्तम हैं। छोटे छोटे से बालक हैं, 5-5 वर्ष के। तो एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं, सुनीति से इतना प्रेम नहीं करते हैं। यही कारण है कि उत्तम को अधिक प्रेम मिलता है और ध्रुव को कम प्रेम मिल पाता है। मैं बाल गोपालों से कहूंगी, थोड़ा सा शांत हो जाओ, और बिल्कुल शांत होकर के थोड़ी सी देर कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि जब आप हर एक कथा हमें बहुत कुछ देकर जाती है। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक हित करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं, सुनीति को इतना प्रेम नहीं मिल पाता। यही कारण है कि सुनीति के पुत्र ध्रुव को भी उतना प्रेम नहीं मिल पाता है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं कि मैं भी उत्तम की तरह पिता का लाडला हूँ, मैं भी उत्तम की तरह अधिकारी हूँ। तो ये गोद में बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, गोद में अभी बैठना ही चाहा कि तुरंत विमाता ने आकर के हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। अरे ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? श्री का, माँ मैं पिताजी की गोद में बैठ रहा हूँ, पिताजी का प्यार मुझे भी चाहिए। विमाता ने कहा, सुरुचि ने कहा,
अगर तुझे ये पिता की गोद चाहिए तो जा जाकर उतनी तपस्या कर, जाकर अपने ब्रह्मा को मना, अपने भगवान को मना, तपस्या कर और उनसे कहे कि अब की बार मेरी ही कोख से पैदा होना, मेरी ही कोख से जन्म लेना, तब तू अधिकारी बन सकता है। अब तो नहीं बन सकता, अब तो नहीं बैठ पाएगा। उतार कर नीचे खड़ा कर दिया। ये ध्रुव जी रोते रोते पहुंचे मैया सुनीति के पास और माँ से कहते हैं, माँ मुझे विमाता ने गोद से उठा दिया, पिताजी की गोद में भी नहीं बैठने दिया। और वो चिल्ला कर कहती है कि जा भगवान को प्रसन्न कर और फिर जाकर मेरी कोख से जन्म लेना। मैं कहाँ ढूंढूं भगवान को? कौन से भगवान की बात करती है? भगवान कैसा होता है? ये तो 5 वर्ष का बालक था, इसको तो कुछ पता नहीं था। ये रोने लगा तो माँ सुनीति ने समझाया, बेटा विमाता ने तो बहुत अच्छी बात कही, तेरी दूसरी माता ने तो बहुत अच्छी बात कही है, तुझे कहा है कि तू भगवान को मना, भगवान का भजन करने का उपदेश दिया है, और यदि तू भगवान को एक बार मना लेगा, भगवान का भजन एक बार कर लेगा, एक बार उस परम पिता परमात्मा की गोदी को पालेगा, तो फिर इस साधारण पिता की गोदी पाने की जरूरत नहीं रहेगी। इस पिता की गोदी की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी जब उस पिता की गोदी को पालेगा। तब तो ध्रुव जी को उत्साह उमंग हुई और पूछा कि वो पिता मिलता कहाँ है, वो पिता कहाँ मिलेगा, वो कैसा है, कहाँ ढूंढने जाऊंगा, कहाँ रहता है, मैं उसी को मनाऊंगा। ये बालक की जिज्ञासा प्रकट हुई, मैं उसी को मनाऊंगा, मैं उसकी गोद में बैठ जाऊंगा तो ये पिता भी गोद में बिठा लेगा। तब तो ध्रुव जी माँ से पूछने लगे और माँ ने समझाया, बेटा वो हर जगह परमात्मा है, बस तुझे विश्वास रखना है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में प्यारे, मैं तो हूँ विश्वास में। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं विश्वास में हूँ, जहां तुम्हारा विश्वास हो जाए वहीं मैं प्रकट हो जाता हूँ। विश्वास लाकर तो देखिए एक बार, परमात्मा विश्वास में है, हर जगह है, हर जर्रे जर्रे कण कण में मेरा परमात्मा है। माँ कहती है तू कहीं भी उसको मना लेना, कहीं भी ढूंढ लेना, कहीं प्रसन्न कर लेना, पर तेरे अंदर विश्वास पक्का होना चाहिए ध्रुव, और जिस वक्त विश्वास पक्का हो जाएगा उस दिन तुझे परमात्मा की गोदी प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा मिल जाएगा। और कहा भी है कि है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओ को, राम मिले हैं अंगद वाले पाओ को। जगह जगह राम जी का पता बताया, तुमने देखा है कभी राम को? एक बार भक्तों ने कहा राम नहीं है नारा, हम सब कहते बोलो भगवान राम कृष्ण की जय, और जिन्होंने नारे लगाए उनको भगवान मिला? केवल नारे तक ही सीमित नहीं रहना है, उसके आगे की यात्रा भी करनी है। नारा लगाना बुरी बात नहीं, जयकारा लगाना बुरी बात नहीं, पर जयकारे को समझ के आगे भी बढ़ना है। भगवान राम की जय होगी कैसे, इस पर भी तो चिंतन करना है। राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओ को, राम मिले हैं अंगद वाले पाओ को, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, और राम मिले शबरी के झूठे
बेरो में राम मिले शबरी के झूठे बेरो। संतों ने कहा कि कर का मन का डाल दे तू मन का फेर, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन में। बहुत से लोग हाथ की माला घुमाते रहते, माला घुमाइए पर तुम्हारा चित्त कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा भाव कहाँ है, तुम्हारा मन कहाँ है। ये माला भी एक समय तक हाथ में पकड़ाई है कि ये तब तक जब तक तेरे भीतर श्वास श्वास माला न बन जाए, हर श्वास पर जब भगवान का नाम न आए तब तक इस माला को घुमा ले, राम राम राम। और बहुत से लोग देखे आपने माला हाथ में पकड़ेंगे, राम राम राम, माला चली जा रही, राम राम राम। अरे बहू जब छोरा लेके जा, राम 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 राम। अरे घर में कुत्ता घुस आयो अंधे सब, राम 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 राम। अरे दूध वालों द्वार पे दुहाई दे रहे हो, राम 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 राम। ये कौन सा राम है? राम जी भी सोचते होंगे इसने तो तोते जैसी रटना लगा दी। इसलिए राम नाम को पहले समझो, राम के नाम की महत्वता को समझो। तो संतों ने फिर जिन्होंने उसको पाया उन्होंने कहा कि कर का मन का डाल दे, तू छोड़ दे ये माला, तू मत दिखा लोगों को कि मैं माला कर रहा हूं, तू तो अपने हर एक श्वास के तार को ही माला बना ले और आती जाती श्वासों पे राम नाम का सुमिरन कर ले, तेरी श्वास ही माला का काम करने लग जाएंगी, उस समय तेरा मन हर समय राम में ही लगेगा, दुनिया में काम करते हुए भी तेरा मन राम में ही टिका रहेगा। ये माला लेना अच्छी बात है पर इस माला की सार्थकता समझते हुए अपने भीतर की माला फेरनी शुरू कर दो। हर घर के काम करते हुए माताएं कहती हैं समय नहीं है भजन कैसे करें, तो भोजन बनाती हो, भोजन बनाते समय भगवान का नाम ले लेकर भोजन बना, प्रभु के गीत गाकर भोजन बनाओ, फिर उस भोजन को जो भी खाएगा वो भोजन प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा और उसका मन प्रसन्न रहेगा, उसके विचार शुद्ध रहेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन। माताएं भगवान का संकीर्तन करते हुए गीत गाते हुए राम का नाम जपते हुए बनाएं तो फिर देखना वो औषधि का काम करेगा और तमाम शरीर की बीमारियां आपके उस भोजन से समाप्त हो सकती है। और भोजन माताएं बनाएंगी, अब गुस्से में चिमटे बेलन फूकने लुढ़का रहे, बाहर से ऑर्डर आ गया दो लोगों का भोजन बना दो, अतिथि आए हैं, अब इसने फेंकना शुरू कर दिया, जोर जोर से बर्तनों को मार रही हैं, कभी चूल्हे को पटक रही हैं, कभी खुद, कि वो अतिथि भी समझ जाए कि इसका मन नहीं है बनाने का। तो वैसे मन से बनाया हुआ भोजन तो वो बेचारा खाएगा तो उसको हजम होने वाला तो है नहीं। आप ये सोचती है कि हम भगवान के भजन के लिए कैसे समय निकालें, तो आप जो भी घर के काम कर रही हो उस घर के काम करते करते, झाड़ू लगाते, काम करते, बर्तन साफ, जो भी काम कर रही हो, सोते जगते प्रभु का नाम लेते सो, नाम लेते उठो, नाम लेते लेते काम करो, जाता क्या है तुम्हारा, कोई मोल लगता है, कोई दाम लगता है, समय तो बीत ही रहा है पर तुम्हारे श्वासों की माला राम नाम के मोतियों से भरी हुई है, तो समझ लेना हर एक कार्य सुंदर सफल और अच्छा होगा, आपका कल्याण भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है, काम में मन भी लग रहा है और सब परिवार के प्रसन्न भी है। यही स्थिति आपकी है, यदि समय उस नहीं है तो काम सारे करते करते भगवान का नाम में मस्त रहो, सारे काम करते करते भी भगवान के गीत गाते रहो और जब समय लगे सुबह शाम तो थोड़ा सा ध्यान में बैठ जाओ, थोड़ा सा अपने आप में बैठ जाओ, थोड़ा सा एकाग्र होकर के बैठ जाओ। तो भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलेगा, तो आज सुनीति ने समझाया कण कण में है वो, लेकिन तू अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास से प्रकट कर सकता है,
कहीं पर भी देख लेना वो मिल जाएगा। तू ढूंढने चला जा, तू ढूंढ उसको, अपना परिश्रम कर, अपनी मेहनत कर, क्योंकि संत भी उंगली पकड़कर रास्ता दिखाते हैं। आपको पूरे जीवन उंगली पकड़े नहीं रहेंगे, एक बार रास्ता दिखा दिया अब चलना आपका काम है, अब आगे बढ़ना आपका काम है। वैसे ही माँ ने भी आज एक रास्ता बता दिया, परमात्मा हर जगह है, अब तू संतों के पास जाकर उसकी खोज कर और उसको ध्यान से पुकार। ये बालक निकल गया, जंगल की ओर चला गया, मार्ग में देवर्षि नारद मिले, कहाँ जा रहे हो बालक? भगवान को ढूंढने। कहा भगवान मिलते हैं जंगलों में, तुम जंगलों में क्या कर रहे हो? जंगलों में शेर मिलेगा, हाथी मिलेंगे, तुम्हें मार जाएंगे, खा जाएंगे। बालक ने हाथ जोड़ के कहा, नारद जी मुझे ये तो नहीं पता कि भगवान कहाँ मिलता है, पर मुझे इतना विश्वास है कि वो मिलता जरूर है। मेरी माँ ने कहा है कि वो मिलेगा, ये नहीं पता कहाँ मिलेगा, पर इतना जरूर कहा है कि वो मिलता है। और भगवान ने कहा कि मैं तो हूं विश्वास। बालक ध्रुव कह रहा है कि मैं उसको खोज लूंगा, वो मिलता है और वो है, बस इतना मुझे पता है और मुझे कुछ नहीं पता। तब तो नारद जी प्रसन्न हो गए और एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। इसका जाप कर, इस मंत्र को सिद्ध कर, और इसी के जाप से तुम परमात्मा को प्रकट कर सकते हो, उसको पा सकते हो। अब एकाग्र चित्त होकर के इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस ओम में उसकी लौ लग गई, इस मंत्र में उसकी लौ लग गई। अब उसे कुछ सुनाई न दे, कुछ दिखाई न दे, केवल उसी मंत्र को सिद्ध करने लगा है। और यही जाप चल रहा है, कठोर तपस्या चल रही है, और कठोर तप से आज भगवान को प्रकट कर लिया। प्रभु प्रकट हुए, दर्शन दिया, छोटा सा बालक है, प्रसन्न हो गया। बताओ क्या चाहिए, क्या मांगना है? तो बालक कहता है, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैंने कुछ मांगना ही नहीं है। तो तपस्या क्यों की? बोले आपको प्राप्त करने के लिए, आपको मांगने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए, और कुछ अभिलाषा नहीं है, और कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे आप ही को पाना था। फिर भी भगवान कहते हैं कि तुझे चाहिए क्या, क्योंकि तुझे इस धरती पर बहुत वर्षों तक रहना है। तब एक बात कही कि यदि प्रभु, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपका दर्शन हो गया, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, और यदि आप कुछ देना भी चाहते हो तो मुझे संतों का संग दे दीजिए। मैं जब तक इस धरती पर रहूं बस संतों का संग मेरे साथ रहे, संतों का आशीर्वाद मुझ पर रहे, सत्संग में मैं लीन रहूं, बस इतना कृपा कर दीजिए। भगवान ने वरदान दिया और आज भी हम मानते हैं ऐसी पदवी ध्रुव जी को मिली कि जो ध्रुव तारा बनकर आज भी चमक रहे। कुछ नहीं मांगा और सब कुछ मिल गया, कल्याण हो गया। ध्रुव जी प्रसन्न होकर के लौट रहे हैं, क्योंकि जब वो मिल जाता है उसके बाद तो जीवन बदल जाता है। जब तक मिला नहीं है तभी तक रोना है, तभी तक कष्ट है, तभी तक दुख है। जब वो जिस दिन उसकी अनुभूति हो गई उसके बाद तो आपके चेहरे की अलग मुस्कुराहट, अलग खिलावट, अलग प्रसन्नता हो। अब बालक ध्रुव इधर से जा रहा था सहमा सहमा सा, अब उधर से आ रहा है खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और देखा कि पिता सामने अगवानी करने खड़ा है। जिस पिता ने गोद में भी नहीं बिठाया था, आज वही पिता तमाम रथ हाथी घोड़े सैनिक नौकर चाकर लेकर के आज लेने के लिए आया है। देखो जिसको, इसलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब। अब तक बात भी नहीं पूछ रहे थे पिताजी, और अब तो खड़े हैं रथ लेकर के, आओ बेटा इसमें बैठो। अब भगवान को प्राप्त करके मेरा बेटा इतनी बड़ी पदवी प्राप्त करके लौट रहा है, स्वयं खड़े हो गए अगवानी करने के लिए, लेकर आए। इसलिए कहते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। उसी ने जगमगाया है सब कुछ। आनंद के साथ लौट कर आए ध्रुव जी। समय बीता, बड़े हुए,
राज्य किया, बहुत वर्षों तक राज्य किया, संतों का सानिध्य उनको हमेशा रहा, जिससे उनकी वृत्ति, उनके विचार, उनका संग, उनका ढंग सब कुछ अच्छा हुआ और परमात्मा को प्राप्त उन्होंने कर लिया था। उसी परमात्मा में वो लीन हुए और उसके बाद एक और कथा आती है अजामिल नाम के ब्राह्मण की। अजामिल जो श्रेष्ठ कर्म करता हुआ अपने जीवन यापन कर रहा था, लेकिन उसका कुसंग अच्छा नहीं हुआ, संग उसका अच्छा नहीं हुआ, संगति उसकी अच्छी नहीं रही, तो कुसंग में पड़ गया। अब तक बहुत अच्छा जीवन था, श्रेष्ठ कर्म करता हुआ अपने जीवन में आनंद ले रहा था, लेकिन संग बिगड़ गया, कुसंगति में पड़ गया, संग बिगड़ गया, वैश्या का संग करने लगा, तो बस दिन उल्टे हो गए, समाज ने दूर कर दिया। इसलिए एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपका संग जैसा होगा वैसा ही आपका रंग और ढंग बन जाएगा। इसलिए अपने बालकों पर हमेशा नजर रखो सावधानी के साथ कि इनका संग कैसा है, ये कौन से जगह पर बैठते हैं, इन ये बैठते हैं वहां लोग कैसे हैं, ये जिनके साथ बैठ रहे हैं उनका व्यवहार, उनका संग, उनकी वृत्ति, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि जब एक बूंद आसमान से चलती है बड़ी पवित्र होती है, बड़ी निर्मल होती है, आप कभी देखना बड़ी निर्मल सी बूंद है, लेकिन वो धूल में जैसे ही आकर गिरी वो धूमिल हो गई, धूल में मिल गई। वही बूंद जब गर्म लोहे पर पड़ी तो समाप्त हो जाती है, वही बूंद जब केले के पात पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, वही बूंद जब सांप के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है, वही बूंद जब सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है। अब आपको देखना है कि वो बूंद कहाँ कहाँ जा रही है, अब ये आपको देखना है कि आपके बालकों का संग कैसा है, ये आपको देखना है कि आपका संग कैसा है, आप जिस स्थान पर बैठते हैं, आप जिनसे चर्चा करते हैं, आप जिनसे सीखते हैं, वो लोग कैसे हैं, जैसा संग वैसा रंग बनता है। कई बार माता पिता कहते हैं हमने बहुत अच्छा संस्कार अपने बालकों को दिया पर फिर भी न जाने ये कैसे बिगड़ गए, इसका कारण इनका संग भी हो सकता है, इनका मित्र मंडल भी हो सकता है, इनके आसपास का माहौल भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सावधानी से जीवन जिया जाता है, सावधानी रखो कि मैं जिस जगह पर बैठ रहा हूं यहाँ शराबियों का अड्डा तो नहीं, यहाँ जुआरियों का अड्डा तो नहीं, मैं जिनके साथ बैठ रहा हूँ वो शराबी तो नहीं, मैं जिनके पास बैठ रहा हूँ वो अहंकारी तो नहीं, क्रोधी तो नहीं, व्यभिचारी तो नहीं, इनका चरित्र तो अच्छा, इनका व्यवहार तो अच्छा। इस हर बात का ध्यान जब मनुष्य देने लगेगा तो निश्चित रूप से वो एक सुंदर व्यवस्था में बन पाएगा। अच्छी सत्संगति में रहा करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। यहाँ अजामिल की संगति बिगड़ गई, कुसंग में पड़ गया, वैश्या का संग करने लगा, समाज ने सब दूर कर दिया, हमारे किसी के घर का आना जाना इसके घर नहीं रहेगा, कोई न इसके घर आएगा न जाएगा, न इसके हाथ का कोई पानी तक नहीं पिएगा, इसके घर का पानी नहीं पिएगा, न अपने घर इसको कोई आने देगा, क्योंकि इसने समाज के खिलाफ, समाज के नियमों का उल्लंघन किया। इसके 10 पुत्र थे, इतनी कृपा भगवान की हो गई कि जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम संतों की आशीर्वाद से इसने नारायण रख दिया था। सबसे छोटे पुत्र में प्रीति भी इसकी अधिक है, ये नारायण 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 कहता है। एक दिन सो रहा था अजामिल, नींद में इसको ऐसा लगा कि यमदूत आ गए, निद्रा में था इसको ऐसा अनुभूति हुई कि यमदूत आ गए, ये भूत आ गए, ये भयभीत हो गया और इसने अपने पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र नारायण कहाँ हूं, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। जब ऐसा भाव आया तो तुरंत वहां विष्णु दूत आ गए, पहले यमदूत आए फिर विष्णु दूत आए, और यमदूत और विष्णु दूतों में संवाद शुरू हुआ। यमदूत कहते हैं इसको नरक में जाना चाहिए, विष्णु दूत कहते इसको स्वर्ग ले जाएंगे। अब दोनों में संवाद, इसको नरक में भेजें या स्वर्ग में भेजें, चलो आप ही बताओ। दोनों ही आ गए,
अब स्वर्ग जाए कि नर्क जाए। यदि नर्क में भेजते हैं तो वही इसने नारायण का नाम लिया है, फिर नारायण के नाम का क्या लाभ मिलेगा। और यदि इसको स्वर्ग में भेजते तो इसने भाई कुकर्म भी करे, तो अब तो दुविधा है कथा में। यमदूत इधर खींच रहे हैं, विष्णुदूत इधर खींच रहे हैं, इसको इधर ले जाएं उधर ले जाएं, कहां जाना चाहिए इसको। और अंत में ये गया कहां? वैकुंठ चला गया, स्वर्ग चला गया, प्रभु के धाम चला गया। इस कथा को बहुत ध्यान से समझे। सोते हुए इसने स्वप्न देखा और स्वप्न में ही यमदूत हैं, स्वप्न में ही विष्णुदूत हैं। सोते हुए कई बार स्वप्न में बहुत सारी चीजें देखते हैं। निंद्रा में है ये, स्वप्न में ये घटनाएं घट रही है। अब से पहले ये स्वप्न नहीं था कभी भी, आज ये स्वप्न आया है कि यमदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए, और ये दृष्टा बना हुआ ये देख रहा है। यमदूत कह रहे हैं कि इसको नर्क ले जाएंगे, विष्णुदूत कह रहे हैं स्वर्ग ले जाएंगे, और ये देख रहा है, ये स्वप्न में महसूस कर रहा है, दोनों को देख रहा है। और एकदम घबरा के इसकी आंखें खुली, इसकी नींद खुली, इसने देखा न यमदूत थे न विष्णुदूत थे। लेकिन अब से इसकी जिंदगी बदल गई, अब से इसकी व्यवस्था बदल गई। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जैसे ही इसकी वो भ्रांति गई, जैसे ही इसकी नींद टूटी, जैसे ही इसकी आंखें खुली, इसने महसूस किया कि मैंने जितने ये कर्म किए हैं, इनके कर्मों के अनुसार तो मुझे नरक ही मिलेगा। तुरंत उसने अपने व्यवहार को बदल लिया, तुरंत उसने अपने उन समस्त दुर्व्यसनों को छोड़ दिया और बिल्कुल वैरागी बन गया, साधक बन गया, भक्त बन गया। और फिर इसने भगवान का भजन किया और कठोर तप किया है इस अजामिल ने, और कठोर तप के द्वारा भगवान के नाम स्मरण से इसका कल्याण हुआ है। नारायण के नाम की अपनी महत्वता है, पर यह बात ध्यान रखना कि जैसे नारायण के नाम की महत्वता है, नारायण का नाम आपको फल देगा, वैसे ही आपके किए हुए गलत कर्मों का भी फल आपको जरूर मिलेगा। ये दोनों बातें अलग अलग। मिर्ची का पौधा बोओगे तो मिर्च ही खानी पड़ेगी, और आम का लगाओगे तो आम खा सकते हो। ये दोनों अलग अलग बात है। अब अजामिल को यह महसूस हो गया कि मुझे पूरे गलत काम छोड़ देने हैं, मेरा जीवन तो श्रेष्ठ है। भगवान ने यह समझा दिया इस स्वप्न के माध्यम से, उसको एक चेतना, एक जागृति दे दी कि तू कहां पड़ा है, तेरा जीवन श्रेष्ठ है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना और भगवान की भक्ति कर। इसने भक्ति की और अपने जीवन का कल्याण किया। ये याद रखना कि नारायण का नाम लेना, जितना आप नारायण का नाम लोगे वो फल आपको देगा, लेकिन आपने यदि जीवन में कोई गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उनका परिणाम भी आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशिक्षतम समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। इसी बात को वाल्मीकि रामायण में भी कहा है, अनाभुक्तम न चीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और इसी बात को यदि सहज रूप में समझना है, सरल भाषा में समझना है, तो तुलसीदास जी ने भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जस फल बया हो तस फल चाखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी, और को काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। माने समस्त शास्त्र है, कर्म प्रधान है, कर्म विशेष है, जैसा कर्म करोगे वैसा अवश्य भोगना है।
यदि अच्छा कर्म किया है तो उसका भी फल मिलेगा और बुरा किया है तो उसका भी फल मिलेगा। ये दोनों अलग अलग विषय हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। जितना जिस व्यक्ति ने जीवन में जैसा कर्म किया होगा उतना ही उसी प्रकार से परमात्मा उसको देगा, अच्छे का सुख रूप में, बुरे का दुख रूप में। अजामिल को आज यह पता चल गया कि मैंने कितना गलत किया जीवन में, यह एहसास हो गया। लोगों को एहसास ही तो नहीं होता है गलत का, और गलत करते जाते हैं। यह एहसास होना भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि अपने कर्मों पर नजर रख पाए व्यक्ति, और अपने कर्मों का एहसास हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा या बुरा। ये एहसास होना भी तो उसकी विशेष कृपा है। आज भगवान की विशेष कृपा हुई उस नारायण नाम के बार बार लेने से, नारायण 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 कहने से उसके हृदय में पवित्रता हुई, और उस पवित्रता का ये परिणाम था कि आज उसको ये एहसास हो गया कि मेरा जीवन इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये उजली सी चादर मैंने मैली कर दी, ये सुंदर जीवन को मैंने ऐसा बना दिया, इतना श्रेष्ठ कुल में मैं प्रकट हुआ, इतने श्रेष्ठ कुल में जन्म, इतने श्रेष्ठ मेरे कर्म, और उसके बाद मेरी संगति इतनी दूषित हो गई, मैं यहां तक आ गया, इतनी ऊंची पदवी से मैं यहां तक आ गया। आज उसको एहसास हुआ, अपने मन में ग्लानी हुई। और कई बार व्यक्ति को यह एहसास होता है जब गलत करता है, तब हो या ना हो, लेकिन बाद में कई बार पश्चाताप भी होता है। और ये भक्त पश्चाताप करता है, प्रभु मुझे कितना पवित्र बनाकर तूने भेजा था, आज कैसा मैं बन गया, अपने कर्मों से मैंने क्या बना लिया खुद को। कि तूने मुझको जग में भेजा, देकर सुंदर काया, पाप किए संसार में आकर इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की कैसे दाग छुड़ा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो चर्चा तेरी कभी न मन को लगाया। हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ा, द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। आज अजामिल को ये लगा कि मैंने अपनी इस चादर को मेला अपने ही कर्मों से कर लिया, कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुटेंगे, तो अब कोई साबुन तो छुड़ा नहीं पाएगा दागों को,
कोई डिटर्जेंट पाउडर काम नहीं करेगा। अब इस दाग को छुड़ाने के लिए राम नाम रूपी साबुन लेना पड़ेगा। बार बार मैले दाग राम नाम के स्मरण से, बार बार के स्मरण से, बार बार के नाम चिंतन से, सुमिरन से आपके भीतर के जो मैलापन है वो धुल जाएगा और आप पवित्र हो जाएंगे। राम नाम आपको पवित्र करता है, पावन बनाता है। जैसा करोगे वैसा मिले। एक व्यक्ति ने कहा कि जब राम नाम से पाप नहीं कटेंगे तो फिर राम नाम को लेने का फायदा क्या। और मनुष्य की तो वृत्ति है कि हर जगह में फायदा देखता है, जहां फायदा नहीं हो वहां तो पैर ही नहीं रखता है। कथा में भी तभी आता है इसको फायदा होता है, ये देखता है कि मेरा लाभ क्या है, ये पहले लाभ सोचता है, स्वार्थी है ना मनुष्य की वृत्ति, इसलिए पहले देखता है मेरा फायदा क्या। राम नाम से तेरे पाप नहीं कटेंगे, जो कर दिया वो तो कर दिया, जो लकीर खींच दी वो तो खींच गई, पर राम नाम से अब तेरे पाप करने की वृत्ति कट जाएगी। जब वृत्ति ही कट जाएगी तो तू पाप करेगा कैसे, जब वृत्ति ही बदल जाएगी तो तू पाप करेगा कैसे। सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचः। भगवान कहते हैं तू सारे कर्म धर्म मुझ में ही समर्पित करके किया, सब कुछ मेरे समर्पित कर दे, और जब एक बार तूने मेरे ऊपर छोड़ दिया तो मैं तुझे भटकने ही नहीं दूंगा, तुझे हमेशा रास्ते पे रखूंगा, पाप की वृत्ति ही समाप्त कर दूंगा। पाप कटेंगे नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, पर आगे सुधार हो सकता है, आगे तू पवित्र निर्मल हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए साग में नोन और मिर्च, नमक और मिर्च ज्यादा हो जाए तो वो निकाली नहीं जा सकती। कोई कितनी भी चतुर माता हो, एक बार सब्जी में नमक और मिर्च ज्यादा हो गए तो उनको निकाला नहीं जा सकता। वैसे ही एक बार पाप हो गए तो हो गए, अब उनको कैसे काटेंगे। जो समय निकल गया वो तो निकल गया, जो हो गया वो तो हो गया, कर्म करने तक अधिकार तुम्हारा था, अब फल देने की बारी उसकी है, वो तो हो गया। लेकिन यदि मिर्च और नमक का प्रभाव कम करना है, मिर्च को प्रभाव को कम करने के लिए आप घी डाल दो, नमक का प्रभाव कम करने के लिए नींबू डाल दो, तो प्रभाव कम हो जाता है और अपने खाने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। वैसे ही जो हो गया वो तो हो गया, साग में नमक मिर्च ज्यादा हो गए तो हो जान दो, फिर उसी की चिंता लिए मत बैठो। कुछ गलत यदि हुआ है तो उसको छोड़ो, उसको मत सोचो, अब कुछ परिवर्तन करने का सोचो। अब मिर्च कम कैसे हो, अब नमक कम कैसे हो, अब घी और नींबू चाहिए। वो क्या है, वो भजन है, वो भक्ति है, वो पश्चाताप है। पश्चाताप से बहुत से कष्ट, बहुत सी ग्लानी आपके भीतर से दूर होती है। आप पश्चाताप करें, मेरे से प्रभु भूल हुई है मैं जानता हूं, पर अब मैं इसका सुधार करूंगा, यही एकमात्र उपाय है। अब इसके बाद मैं कोई गलत नहीं करूंगा, अब मैं सुधार करूंगा और मैं तैयार हूं उसके लिए जो मुझसे गलत हुआ है, उसके पाप के रूप में तू मुझे जो देना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूं, पर अब मैं अपनी वृत्ति को बदल लूंगा। यही अजामिल कहते हैं, प्रभु मुझसे अब तक भूल हुई पर तेरे नाम ने मेरे हृदय को पवित्र किया और अब मुझे एक सदमार्ग मिल गया, अब मैं अपने जीवन को बदल लूंगा। तो पाप काटे नहीं जाते, प्रवृत्ति को बदल लो। अच्छा करो तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा, यदि हमने अच्छा किया होता तो हमें रोने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि कोई किसी की आंख में आंसू न लेकर आए, यदि कोई किसी को उठाने का काम करे तो परमात्मा उसको गिराता नहीं है। यदि कोई किसी का पेट भरता है तो समझ लेना परमात्मा उसका पेट भरेगा, उसको भूखा नहीं सोने देगा। अपनी वृत्ति तो अच्छी बनाइए। लोग सोचते हैं गंगा मैया में जाओ तो पाप धुल जाएंगे, गंगा मैया में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, यमुना जी तो आपके पास ही, यमुना जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो कितने लोगों ने यमुना गंगा में स्नान किया, जरा हाथ खड़ा कर।
बहुत सब धुल के आ गए। एक व्यक्ति ने ऐसा ही सोचा। अब लोगों की बुद्धि अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि गंगा मैया में सब लोग अपने पाप धुल जाते हैं, तो अब तक तो गंगा मैया में बहुत पाप हो गए होंगे, और सारे पाप गंगा मैया ने बढ़ा रखे जी। ये लोग पाप कर करके जाते हैं, गंगा मैया में स्नान कर देते हैं, वहां पाप बह जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नए पाप करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर पूरे बहा आते हैं। ये गंगा मैया ने पाप बढ़ा रखे। तो ये व्यक्ति सीधा गंगा मैया के पास पहुंचा और पूछता, हे गंगा मैया, ये बताओ आपने धरती पर इतने पाप क्यों बढ़ा रखे हैं, सब लोग आप में छोड़कर चले जाते हैं। तो गंगा मैया ने कहा कि भैया हमारे पास तो किसी के पाप है ही नहीं। तो पूछा फिर कहां जाते हैं, बोले हमसे तो बह करके सब समुद्र में चले जाते हैं, सारे पाप बह करके कहां चले जाते हैं, समुद्र में। बोले समुद्र ले जाता है सारे पापों। अब ये समुद्र के पास गया, पूछता है, हे समुद्र देवता, आपका जल इसीलिए खारी है कि आपने सबके पाप ले रखे हैं। तो समुद्र ने कहा, नहीं नहीं, हमारे पास तो किसी के पाप नहीं है। तो बोले गंगा जी से जो आपके पास पहुंचे थे वो पाप कहां गए, बोले हमसे तो बादल ले जाते हैं, सारे भाप बन करके उड़ जाते हैं, सबके पाप उड़ गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल पवित्र हैं, किसी के पाप नहीं रखते, हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है किसी के पाप। अब तो इसने बादलों को मानो संबोधन करा और कहा कि हे बादलों, तुम्हारा काला काला रूप इसीलिए हो गया कि सबके काले पाप तुमने अपने पास ले लिए। तो मानो बादलों की गड़गड़ाहट भी कह रही है कि भैया हमारे पास भी किसी के पाप नहीं है। तो बोले पाप जाते कहां हैं, बोले जिस जिस के होते हैं उस उसके ऊपर बरसा देते हैं। पाप कहां हैं, बोले जिस जिस के हैं उसके ऊपर बरसा देते हैं। तो पाप कहां गया, अपने ही पास आ गया। कितना भी बहाकर चले आओ, कितना भी छोड़ के चले आओ, अपना किया हुआ कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि समस्त शास्त्र कर्म की प्रधानता मानते हैं। यदि पाप खत्म हो जाए तो फिर तो लोग खत्म करने चल देंगे, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। गांव में तो साधारण भाषा में कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे भैया वैसा ही मिलेगा। ये तो सामान्य सी बात में हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि जैसा करोगे माने अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे नहीं माफ करेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो एक सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी कम और ज्यादा किसी को नहीं देता, जो जैसा करता है वैसा ही उसको दिया जाता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सारा फेर है। कोई देर अंधेर नहीं है, ये सब तेरे कर्मों की स्थिति है। लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, और मैं कहती हूं कि देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है, सब तेरे कर्मों की स्थिति है। हो ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सारा फेर है।
देता है ना तो देर है ना देर है ना तो देर ना देर है तेरे कर्मों का ये सारा फेर है वो तेरे कर्मों का ये सारा फेर है ओ नेकी की मन में ज्योति जला ले और जीवन में कर ले उजाले नेकी की मन में ज्योति जला ले और नेकी की कर ले उजाले लाखों तीर्थ जाके नहा ले मिटते नहीं कभी कर्म ये काले कभी कर्म ये काले ना तो देर है ना देर है ना तो देर है ना देर है ये फेर कर्म का ये सारा फेर है ओ तेरे कर्म का ये सारा फेर है ओ ना तो देर है ना देर है तो अब स्पष्ट हो जाओ जीवन में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है जीवन में भ्रमित जो होता है वो कहीं तक नहीं पहुंच पाता सीधा सिद्धांत रखो कि अच्छा ही करना है रुलाना नहीं है सबको मुस्कुराहट देनी है सबको अच्छा देना है सबके लिए अच्छा सोचना है बुरा सोचना ही नहीं और जब सोचोगे ही नहीं तो करोगे कैसे सबके लिए अच्छा सोचना है अच्छा चिंतन बनाना है ये कथा से सीखिए अब अजामिल बिल्कुल परिवर्तित हो गया बिल्कुल बदल गया वृत्ति बदल गई विचार बदल गए कर्म बदल गए सब छोड़ दिया अब तो केवल भगवान के ध्यान में लग गया और भगवान के ध्यान को और नारायण नाम के उस कीर्तन से उस पुकार से उस स्मरण से उसने अपना कल्याण किया और ये नारायण का नाम एक बार जिसके जीवन में आ जाए ये भी एक नशा है किसी को अलग अलग नशे होते हैं किसी को सिगरेट का तंबाकू का बीड़ी का शराब का धन का सत्ता का कुर्सी का पद का नाम का ये सारे नशे होते हैं वैसे राम नाम का भी एक नशा है नारायण के नाम का भी एक नशा है और इस नशे में व्यक्ति बेहोश नहीं होता बल्कि जो बेहोश हो रखे हैं उनको भी होश में ले आता है इस नशे में और उस नशे में बस अंतर इतना ही है कि वो नशा तुम्हें बेहोश कर देता है तुम्हारी बुद्धि खत्म कर देता है तुम्हारे पैरों की सामर्थ्य तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य तुम्हारे चिंतन और विवेक की सामर्थ्य खत्म करता है और ये राम नाम का नशा ऐसा है कि जो खत्म हुए लोग हैं उनको भी ऊर्जा दे देता है उनको भी जीना सिखा देता है बस इतना अंतर है इस तरह अजामिल का कल्याण हुआ मोक्ष हुआ एक कथा और आती है गज और ग्रह की भगवान ने ग्रह के चंगुल से गज को छुड़ाया भगवान का स्मरण करके भगवान को भाव से पुकार कर उसने अपना कल्याण किया और उसके पश्चात समुद्र मंथन इत्यादि की भी कथा आती है और एक कथा आती है भक्त प्रहलाद की जो हिरण्यकश्यप का पुत्र है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई हैं हिरणाक्ष को भगवान 12 का अवतार लेके पहले ही समाप्त कर चुके हैं और इस कारण से भगवान नारायण से ये द्वेष करता है शत्रुता रखता है हिरण्यकश्यप
और मैं विष्णु को भी हरा दूं, इसके लिए वो तप करने जाता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और अमरता का वरदान प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि अमर तो हो नहीं सकते, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। तो फिर इसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं रात में न मरूं, दिन में न मरूं, धरती पे न मरूं, आसमान में न मरूं, स्त्री से न मरूं, पुरुष से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मतलब जो कुछ इसकी बुद्धि में आया सब मांग लिया कि मैं कैसे भी अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और ये आनंद से झूमने लगा, इसको लगा मैं अमर हो गया। इसके चार पुत्र हैं, आह्लाद, सहलाद, अनुहलाद और प्रह्लाद। प्रह्लाद सबसे छोटे पुत्र हैं और सबसे छोटे पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं। अक्सर करके हम देखते हैं या तो बड़े पुत्र में ज्यादा प्रीति होती है या सबसे जो छोटा होता है वो लाडला होता है। इस हिरण्यकश्यप का छोटा पुत्र लाडला है। शंड और अमरक दो आचार्यों को बुलाया और कहा कि इसको हमारे कुल की परंपराएं सिखाओ, इसको गुरुकुल ले जाओ, इसको पाठशाला ले जाओ। पाठशाला ले गए, गुरुकुल ले गए, कुछ दिन इसको पढ़ते हुए भी हो गए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठाया इस पुत्र को, इस बालक को, और पूछा कि तुझे अब तक कौन सा पाठ याद हुआ है। बहुत प्रेम करता है अपने पुत्र से तो पूछ लिया कि अब तक कौन सा पाठ याद हुआ है, तेरे गुरुजनों ने क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है। तुरंत इस बालक ने कहा कि मुझे एक ही नाम, एक ही पाठ याद हुआ है। वो पाठ कौन सा है, इस बालक ने सुनाया। और ये बालक अपने पिता को सुना रहा है भाव से, और आप भी उस पाठ को सुनिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण कश्यप को नारायण का नाम जैसे ही सुनाई दिया, उसने तुरंत बालक को गोद से उठा के पटक दिया। क्या करते हो प्रह्लाद, मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने लेते हो, क्या ये तुम्हारे गुरुजन पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये तो राक्षसी कुल में है, ये तो अपनी राक्षसी विद्या पढ़ाना चाहता है, अपनी कुल की परंपरा बताना चाहता है। इसने तुरंत पटक कर, अब बताओ क्या सीखोगे, यही सीखोगे। ये बेचारा चुप। तुरंत बुलाया इसके आचार्यों को, कहा इसको ये मेरे शत्रु का नाम लेना सिखाया है तुमने। बोले हमने तो सिखाया नहीं। बोले इसको लेकर जाइए और दोबारा इसको पढ़ना सिखाइए, हमारी परंपराएं सिखाइए, और ये नारायण जो मेरा शत्रु है ये नाम भूलना चाहिए। अब खूब प्रयास कर रहे हैं आचार्य, खूब पढ़ा रहे हैं पाठ, पर प्रह्लाद को समझ में नहीं आया। पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, प्रह्लाद समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन दोपहर के समय, मध्य के समय आचार्य बाहर गए हैं। इसने अपने मित्रों को बुलाया, कहा कि आचार्य तो बाहर गए हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। तुम क्या रोज एक ही खेल खेलते हो, आज कुछ नया खेल खेलते हैं। सब बालकों को बिठा लिया, खुद भी बैठ गए, और अब सबको बिठा के कहते हैं सब हाथ खोलिए अपने, और सब ताली बजाइए एक साथ। सबको बिठा लिया, सब एक साथ ताली बजाइए, सबको आनंद आने लगा। और कहीं अब एक नया खेल खेलते हैं, और प्रह्लाद जी वो खेल खिलाते हैं क्या, श्रीमन नारायण नारायण। जैसे ही शंड अमर आए, जैसे ही आचार्य आए, बोले अब तक तो एक ही नाम ले रहा था, अब सारे ही नारायण नारायण पुकार रहे हैं। अब कहा महाराज छोड़ने वाले तो है। तुरंत खींच करके
प्रहलाद को ले गए हिरण्यकश्यप के पास। संभाल लो अपने बालक को, ये और भी बालकों को बिगाड़ रहा है, तुम ही संभालो इसे, हम नहीं पढ़ाएंगे। पिता ने समझा लिया, नहीं माना, ऊंचे पहाड़ पर ले गए, डराया, नहीं माना, फेंक दिया। कुछ नहीं बिगड़ा, भक्त का कुछ बिगड़ा नहीं। सांपों के झुंड में फेंक दिया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। बैतों की मार दी, विष दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। होलिका को बुला करके जलाने का प्रयास किया, पर होलिका जल गई, भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। जाको राके साईया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जग वैरी क्यों। कुछ नहीं बिगड़ा तो अब खुद ही पकड़ कर खींच कर लेकर तलवार निकाली और कहा, मैं अपने ही हाथों से मारता हूँ तुझे, अब देखता हूँ तेरा भगवान कहाँ बताता है, कहाँ से आता है, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है। उसने कहा, हर जगह मेरा परमात्मा। और एक प्रहार खंभे में किया हिरण्यकश्यप ने, और एक प्रहार करते ही खंभा टूटा, और जैसे ही खंभा टूटा नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान गरजते हुए आधे सिंह आधे नर, और गरजते हुए जब प्राकट्य हुआ बाहर आए, हिरण्यकश्यप को अपने हाथों पर उठा लिया, बीच देहली में जंघाओं पर लेटा कर कहा, न दिन है न रात है, साय का समय, न बाहर है न भीतर है, देहली है, न धरती पर है न आसमान में है, मेरी जंघाओं पर लेटा है, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं है, बड़े बड़े नाखून भगवान के हैं, मैं स्त्री या पुरुष हूँ नहीं, आधे नर आधे सिंह है। सारे जब वचन ब्रह्मा जी के पूरे हो गए, तुरंत भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनका वक्षस्थल चीर डाला, राजकन्या को बाहर निकाला। बोले नरसिंह भगवान। और जब नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे, क्रोध शांत नहीं हो रहा, उसकी आंतड़ियां निकाल ली। सबने प्रार्थना की, देवता आ गए, पर कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर। लक्ष्मी जी को कहा, आप चली जाइए आगे, आप ही शांत कीजिए। लक्ष्मी जी कहती है, मेरे बस की बात नहीं, मैंने तो ये रूप पहली बार देखा। तो सबने भक्त प्रहलाद को आगे किया, और भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके विनती की, हाथ जोड़ करके संकीर्तन किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी गाइए, नारायण को मना लिया, और नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने गोदी में बिठा लिया प्रहलाद को, आशीर्वाद दिए, प्रहलाद का कल्याण। और बहुत वर्षों तक प्रहलाद जी ने राज्य किया है। प्रहलाद जी बड़े हुए हैं, राज्यगद्दी संभाली, विवाह इत्यादि हुए। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए हैं, और विरोचन के पुत्र बलि हुए। बलि ने सब देवताओं का राज्य छीन लिया, तीनों लोकों का विजेता बन गया, अहंकारी बन गया। तो बलि के उस अहंकार को दूर करने के लिए छोटे से वामन के रूप में एक और प्राकट्य भगवान का हुआ है। माँ अदिति जो देवताओं की माता है, उनके गर्भ से ही वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान। नारायण के ये प्राकट्य हुए, और छोटा सा रूप धारण करके भगवान तीन पग भूमि बलि से मांगने के लिए जा रहे हैं, उसी संकल्प को पूर्ण कराने के लिए जा रहे हैं। और हम सब भी उसी भगवान का अवतरण करेंगे, उसी भगवान को पुकारेंगे, इसी नारायण के नाम से हम ठाकुर जी का आह्वान करेंगे, इसी नारायण के नाम से हम भी प्रभु को रिझाएंगे, और इस पांडाल में भगवान का अवतरण करेंगे। प्रहलाद को नारायण के नाम से परमात्मा मिला, अजामिल को मिला। जिन जिन भक्तों ने पुकारा नारायण के नाम से, उस अलग अलग रूप में परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। आज हम सब के बीच में भी वामन भगवान की झांकी आएगी।
वामन भगवान का प्राकट्य दिवस है, हम सब भी संकीर्तन करेंगे, भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, लेकिन सब शांत बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। भगवान का अवतरण हमारे यहाँ हो रहा है तो प्रसन्न चित्त होकर भगवान का संकीर्तन करेंगे। उससे पूर्व कुछ सूचनाएं श्रवण करेंगे, जहाँ वामन भगवान बलि के यहाँ दान मांगने पहुंचे हैं, जो सबको दे रहा है वो परमात्मा आज मांगने पहुंचा है। निमित्त तो बने हैं भगवान किसी से अच्छा संकल्प करवाने के, इसलिए आइए ऐसे पवित्र संकल्प सेवा कर्मों से आप भी जुड़े और आइए सूचना श्रवण करें, फिर भगवान का उत्सव मनाएं। ओम। मातृशक्ति सेवा संस्थान की संस्थापिका परम पूज्य देवी हेमलता जी शास्त्री जी, आपके श्रीमुख से श्रीमद् भगवत कथा को श्रवण करने का सुअवसर जो हम सबको प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम ठाकुर जी के बहुत बहुत आभारी हैं। देवी जी द्वारा संचालित संस्था में गरीब बेटियों की शिक्षा के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। गोवर्धन रोड मथुरा में आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें महायज्ञ के संकल्प के साथ, अखंड यज्ञ के संकल्प के साथ देवी जी निरंतर कार्य कर रही हैं। उस निर्माण कार्य में जो कोई भी भक्त किसी भी तरह से अपना सहयोग देना चाहे, वह अपना नाम ओम प्रकाश जी के पास लिखवा सकते हैं। हमें 1100 रुपए की सहयोग राशि मुलायम सिंह चौहान जी, पूर्व प्रधान जी, निवासी सरौनी से, उत्तर प्रदेश से प्राप्त कराते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप शीघ्रता करते हुए मंच पर आएं और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मुलायम सिंह चौहान जी, पूर्व प्रधान, निवासी सरौनी से आपने मातृशक्ति सेवा संस्थान निर्माण कार्य के लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि मातृशक्ति सेवा संस्थान को प्राप्त कराई है। जोरदार ताली बजाकर आप इनका धन्यवाद करेंगे। जो कोई भी भक्त किसी भी प्रकार से मातृशक्ति सेवा संस्थान से जुड़ना चाहे, चाहे वह गरीब बेटियों की शिक्षा के लिए दान देना चाहे, महायज्ञ के लिए आप दान करना चाहें, चाहे वो हवन सामग्री के रूप में हो या फिर घी के रूप में हो या फिर उसके निर्माण के लिए आप किसी भी प्रकार से आप सहयोग करना चाहें, क्योंकि कहते हैं कि समाज के सहयोग से ही समाज का कल्याण होता है। ये सारा कार्य समाज के हित के लिए हो रहा है। देवी जी का संकल्प अखंड यज्ञ, ताकि वातावरण स्वच्छ हो सके और अन्य प्रकार से हवनों के द्वारा हर प्रकार से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, इसके लिए हम सभी यज्ञ से जुड़े रहें। गोवर्धन रोड पर देवी जी के आश्रम में यह संकल्प मनाया जा रहा है। हमारे बीच में श्रीमद् भगवत कथा के माध्यम से वामन भगवान का अवतरण होने जा रहा है। मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन रहेगा, एक एक करके आए और पूजन करें। भाइयों से भी निवेदन रहेगा कि आप वामन भगवान का पूजन एक एक करके आए और पूजन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण।
देसी रहे। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु वामन भगवान का पूजन करना चाहते हैं वो कृपया करके अपने स्थान से खड़े होकर के आए। से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सभी भक्त भाव से गाए बोले बांके बिहारी लाल की। कृपया जा रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया आरती और प्रसाद के बाद ही जो सभी लोग जाएं। प्राकट्य हुआ है, उत्सव दिवस है और उसी बात को मैं फिर से दोहराऊंगी कि श्री ठाकुर जी का नाम लेते हुए जब जाएं तो नाम लेते हुए जाएं, आते हुए नाम लेते हुए आए, आरती के पश्चात ही कथा से जाएं। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का।
अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भाव से दोनों हाथों से ताली बजाकर जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे
वंदनम देवानुवंद।